खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। पानीपत के भैंसवाल चौक पर स्थित फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आग लगने की वजह क्या रही। पानीपत के भैंसवाल चौक का ये मामला है जहां पर एक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। काफी नुकसान यहां पर फैक्ट्री मालिक का हुआ है। वहीं सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। देखिए आग लगने की ये तस्वीरें सामने आई हैं और आप देख सकते हैं कितना विकराल रूप इस आग ने ले लिया कि पूरी फैक्ट्री को इसने अपनी चपेट में कर लिया। काफी नुकसान, लाखों का नुकसान यहां पर फैक्ट्री मालिक का हुआ है। आग लगने की वजह क्या थी, क्या कारण थे, फिलहाल इसके बारे में तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन अब जांच का ये विषय है। जांच के बाद ही तस्वीर और सामने आ पाएगी। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। पानीपत का ये मामला है जहां पर एक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई और इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में कर लिया। धुएं का गुब्बार जो आप देख रहे हैं वो बता रहा है कि आग कितनी भीषण लगी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी, क्या अभी तक पता चल पाया है, आग लगने की वजह क्या रही, नुकसान कितना हुआ है इस आगजनी में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरीके से आग लगी, अभी आग के कारणों का पता नहीं लग पाया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और किस तरीके से आग लगी है और क्या क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन जो है लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी तक जो यहाँ के मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उन्होंने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बोला। जितेंद्र, ये फैक्ट्री किस चीज की थी, क्या यहाँ पर बनता था, साथ ही ये बताइए क्या आगजनी में कोई हताहत भी हुआ है, कितने लोग मौजूद थे जब फैक्ट्री में आग लगी? देखिए, फैक्ट्री में जो है तमाम जो है वर्कर मौजूद थे जिस तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर किसी तरीके की कोई जान का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए तो जिसके अंदर आप ये लगा लीजिए गलीचे से लेकर गरीब और दूसरा जो डस्ट वगैरह का जो सामान रहता है, जो वेस्टेज रहता है, वो सब चीजें इस तरीके से जली है, तो वो काफी मात्रा में आप उसका आकलन लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि किसी को इसमें क्षति नहीं पहुंची। चलिए, गनीमत ये रही। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए।